हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकाज किचन। आज मैं आपको ड्रमस्टिक की सब्जी बताऊंगी। तो मैंने ये ड्रमस्टिक को इस तरह से छील लिया है, ये देखिए ड्रमस्टिक है, और इसको मैं इस तरह से छील लूँगी। दोनों साइड से इसको इस तरह से छील लीजिए, और इसको फिर हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लेंगे। ये इसका इसको पील ऑफ करना पड़ता है थोड़ा सा। इसकी सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है, और घुटनों के दर्द में तो बहुत ही लाभदायक होती है ये सब्जी। तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, और इसे पानी में डाल देंगे। इससे पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है थोड़ा सा। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लूँगी, छील के इस तरह से छील लेंगे, और इसे मैं इसमें पानी में डिप करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। बाकी मैंने मसालों में लिया है मेथी दाना, हींग, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी लिए है, नमक लिया है, अनियन का दो अनियन लिए हैं मैंने इसमें, और इसका पेस्ट बना लिया है, और गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब, और ये लिया है मैंने राई को पीस लिया है 1 टीस्पून के करीब, राई भी लिया है मैंने, और नमक लिया है, पानी लिया है। सरसों के तेल में बनाऊँगी इसको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, चलिए तेल डाल लेते हैं। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दूंगी, इसे गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए अब इसमें हम डाल लेते हैं मेथी दाना और हींग, इसका तड़का लगाएंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम साथ में इसमें प्याज डाल देंगे, तो प्याज डालते हैं इसमें हम। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो लहसुन बाद में डाल सकते हैं, नहीं तो पहले डाल सकते हैं। मैं लहसुन थोड़ा बाद में डालती हूँ। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, साथ में हम लहसुन भी इसी में ऐड कर देंगे, लहसुन का पेस्ट, और इसको साथ में भून लेंगे। मैंने एक छोटा सा आलू भी लिया है, वो भी मैं इसमें डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं इसमें। तो प्याज अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें राई का पाउडर, इससे इसमें खटास आएगी, और इसे अच्छे से भून लेंगे। मैंने तेल थोड़ा कम डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसमें मैं ऐड करूँगी एक आलू, और उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, इसे भी भून लेंगे। अब साथ में डालूंगी मैं इसमें ड्रमस्टिक, मैंने पानी से निकाल लिया था इसको, इसको भी डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छे से मसाले के साथ कोटिंग कर लेंगे 2 मिनट के लिए, इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें टोमेटो का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें राई का पाउडर ऐड किया है, इससे भी इसमें खटास आएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। ड्रमस्टिक की जो लीव्स होती हैं उसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, और फूल की भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो आज मैं सिर्फ ड्रमस्टिक की सब्जी बता रही हूँ आपको, तीनों में बहुत फ़ायदा है और इसे ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत हेल्दी होती है ये घुटनों के लिए। तो इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे, और 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप उसके अनुसार डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें इसका लिड लगा दूंगी, और इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने देती हूँ, जब तक कि ये ड्रमस्टिक अच्छे से पक नहीं जाती है।
तो आप इसमें 1 कप या 1.5 कप भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है मुझे, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी और ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है मैंने इसमें और इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसकी लिड लगा देती हूँ। और इसको 5 से 7 मिनट्स के लिए अच्छे से पकने देंगे। चलिए सब्जी चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी एकदम हो गई है, तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। और इसे हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए एकदम ये बिल्कुल खुल जा रहा है, तो मतलब सब्जी पक गई है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ड्रमस्टिक की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।